सरकारें आती जाती बदलती हैं, झंडे बदलते हैं, कुछ नहीं बदलता तो स्वाद, क्योंकि स्वाद ना ओरिजिनल है. सो दिस इज मी रणवीर ब्रार एंड वेलकम टू द ग्लोबल मेन्यू. लेट्स मेक अ पावलोवा फ्रॉम न्यूजीलैंड. नाम तो सुना ही होगा. देयर वाज अ लेडी, अ बैलेरिना कॉल्ड एना पावलोवा. एंड एना यूज्ड टू डांस सो वेल कि किसी ने कहा शी डज नॉट वॉक, she floats in the air like she has wings. Aur Anna jab New Zealand aur Australia ka tour karne aayi to unhone bahut fan banaye, including the chef of the hotel where she performed. New Zealand ke ek chef ne, jo Anna ke bahut bade fan the, lagbhag 1929 mein ek dish banayi aur dish ka naam unke naam ke piche rakh diya, yani ki pavlova. And the Australians said that pavlova is their invention. न्यूजीलैंड ने बड़ी मेहनत करके ये प्रूव किया कि पावलोवा न्यूजीलैंड में बना था, लेकिन जंग अभी भी जारी है. एग वाइट्स हैं तो व्हिप कर लेते हैं. वी आर अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, लिटिल बिट एट अ टाइम. और दूसरी तरफ गैस पे हम थोड़ा सा पानी उबालते हैं. वी टेक सम कॉर्न स्टार्च एंड एड इट. और हम बात कर रहे थे शेफ्स के डिशेस डेडिकेट करने की टुवर्ड्स फेमस लेडीज ऑफ देयर टाइम्स. एंड देयर वाज अनदर फेमस लेडी कॉल्ड लेडी मेलबा, जो बहुत मशहूर सिंगर थी और जो हमारे गॉड फादर हैं हम सब शेफ्स के. ऑगस्ट स्कॉफियर वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुकिंग. उन्होंने एक डिजर्ट बनाया जिसमें पीचेस थी, पोस्ट पीचेस विद आइसक्रीम. उसका नाम दिया पीच मेलबा. वी आर ऑलमोस्ट रेडी. अब सिर्फ बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी हम डाल रहे हैं इसके अंदर. सो यू कैन सी द टेक्सचर एंड द कलर चेंज द मोमेंट यू पुट बॉइलिंग वाटर ऑन इट, बिकॉज बॉइलिंग वाटर स्टार्ट्स कुकिंग द एग एंड गिव्स अ नाइस ग्लेज टू इट. एंड यू नो व्हाई दिस विनेगर इज अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज विनेगर ऑल्सो कुक्स एग्स. जी हाँ, प्रोटीन जो है वो खट्टे से भी पकता है. और यहाँ पर बॉइलिंग वाटर और खट्टे से हल्का सा शाइन आ जाएगा, हमारा इमल्जन स्टेबल हो जाएगा. मास्टर स्ट्रोक, लवली. यू कैन सी द टेक्सचर चेंज. आप थोड़ा सा मराइन लें और इसको अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में धीरे धीरे प्रेस करें. अगर आपको कुछ पाउडरी आ रहा है, इसका मतलब अभी कॉर्न स्टार्च घुला नहीं है. दिस इज नाइस एंड स्मूथ. टाइम टू मेक the pavlova and dedicate it to Anna Pavlova. Whenever you're using a piping bag, just put your fingers below it and roll it up. Usse na aapki ungliyan gandi hongi, na piping bag ka top ganda hoga. Now let's form discs. Aur dusra, aap isko roughly garnishes ke taur par bhi bana sakte hain. Ab iske baad कहानी थोड़ी लंबी है. और कहानी है कि आप चाहें तो ऐसी डिस्क्स बनाकर रख सकते हैं, तीन चार. ये डिस्क को हम लेयर करते हैं, बीच से भरते हैं, तब पावलोवा बनता है. बट इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 hours इन अ वेरी स्लो ओवन. अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आपके घर में तो ओवन इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो जस्ट पुट इट ऑन द रूफ टॉप व्हेन इट्स रियली हॉट. पुट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इट विल बी नाइस एंड क्रिस्पी. फिलहाल विल पुट इन द ओवन, बट आई हैव टू रेडी फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 8 hours. ऑलराइट, सो हियर आई हैव दीज पावलोवास दैट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द ओवन. दे हैव बिकम नाइस एंड क्रिस्प. एज यू कैन सी दे हैव मोर कलर एट द बॉटम बिकॉज देयर वाज मोर हीट एट द बॉटम. इसके ऊपर डाला है हल्का सा डेसिकेटेड कोकोनट. कोकोनट एंड पावलोवा, क्लासिक कॉम्बिनेशन. चलिए करते हैं प्लेटिंग. For a country that's that young, एक ऐसा country जो last देश है जो कि human beings ने ढूंढा, for that country New Zealand has made a mark on the world. I mean whether it's fruits or people or passion or climbing Mount Everest or just the beauty of nature, New Zealand today stands right next to the world's best, rubbing shoulders with them. Very nice. Here I have some non-dairy whipped cream. It's very important to use non-dairy whipped cream because if you're using dairy whipped cream, you will need to cook the kiwi fruit. Because kiwi fruit aur doodh acha mel nahi hai. Halka sa kadwa ho jayega aur aap kahenge Ranveer aapne bataya nahi. Whipped cream at the bottom taki cake fisle nahi. Now
lots of whipped cream. We press it down. And if you think I'd stop, you were mistaken. Here we go. More cream, more kiwi fruit, baked pavlovas, which we will use as a garnish. इनके अंदर हमने डाला हुआ है हल्का सा रोज एसेंस. फ्रेश क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे एक बोल में. पुट सम रोज. तो ये रहा वो पावलोवा जो बना सन 1929 में. लेट्स पुट सम मिंट for freshness. And now in some regions, this cake is also called the snow white cake because it's white like snow, and this is why. Looks good. You know what? Aap dekhiye is recipe ka recap aur main jata hu thoda rugby khelne. Pavlova banane ki vidhi. Whole egg se egg whites separate karke ek bowl mein dalein aur whisk se beat karein. Egg whites ko beat karte hue dheere dheere dalein sugar, phir dalein corn starch, garam pani, vinegar. Egg whites ko continuously beat karein jab tak sugar aur corn starch dissolve nahi ho jate. Lined baking tray mein meringue ko disc aur cone ke shape mein pipe karein. पावलोवा को 80 डिग्री पर ओवरनाइट बेक करें. ओवन से निकालने के बाद पावलोवा पर डेसिकेटेड कोकोनट छिड़कें. पावलोवा डिस्क पर व्हिप्ड क्रीम स्पून करके डालें कीवी फ्रूट्स. फिर दूसरी लेयर पर सेम प्रोसीजर रिपीट करें. पावलोवा के पीसेस ब्रेक करके व्हिप्ड क्रीम के ऊपर रखें. फ्रेश क्रीम को व्हिप करके पावलोवा पर स्पून करें. रोज सिरप, मिंट और आइसिंग शुगर से पावलोवा को गार्निश करें. पावलोवा तैयार है.